इस वीडियो में हम देखेंगे कि परवल आलू की सूखी सब्जी कैसे बनाते हैं। 250 ग्राम परवल लिया है, 2 आलू लिए हैं, दोनों को पीसेस में काट लिया है। हमने परवल को छील लिया है, आप चाहें तो इसको बिना छीले ही यूज कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है, 1 प्याज लिया है, उसको पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है, 3-4 कलियां लहसुन की ली हैं, उनको बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्ची ली है, उसको लंबा लंबा काट लिया है। एक कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, सबसे पहले जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से भुनने देंगे। जीरा भुन गया है, अब इसमें प्याज लहसुन हरी मिर्ची भी डाल देंगे। हल्का सा ब्राउन करेंगे। प्याज लहसुन हल्का सा भुन गया है, अब इसमें आलू और परवल डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, मिक्स करेंगे। सब्जी को ढक के पकने देंगे, गैस की फ्लेम लो कर देंगे। सब्जी को थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तली में चिपक के जल सकती है। आलू को काट के चेक कर लेते हैं कि सब्जी पकी है कि नहीं। आलू कट रहा है, यानी कि सब्जी अच्छे से पक गई है। अब सब्जी को खोल के ऐसे ही भुनने देंगे। सब्जी को तब तक पकाएंगे जब तक आलू सॉफ्ट ना हो जाए। सब्जी को अच्छे से भून लिया है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे। सब्जी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। परवल आलू की बिना मसाले की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।